गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपके साथ सुजाता भल्ला। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूं, इसमें हम बात करने वाले हैं करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ की। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि शादी हर किसी के लिए चैलेंजिंग है। रिश्ते में आए उतार चढ़ाव को जहां पार्टनर को समझने का प्रयास करते हैं, तो कईयों का रिश्ता वक्त के साथ मुश्किल दौर से गुजरने लगता है। ऐसी सिचुएशन तब ज्यादा देखने को मिलती है जब कपल्स के बीच अट्रैक्शन या लगाव ना के बराबर हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक हेल्दी रिलेशन के लिए पति पत्नी के बीच इमोशनल और मेंटल जुड़ाव का होना काफी जरूरी है। करिश्मा ने जहां अपनी शादी में 100% देने की कोशिश की, तो वहीं संजय का उनके साथ लगातार बुरा बर्ताव इस रिश्ते को चाहकर भी बचा नहीं सका। हालांकि करिश्मा और संजय साल 2012 से ही अलग रहने लगे थे, लेकिन इस दौरान भी संजय ने उन्हें परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे आरोप लगाए जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल बांद्रा के फैमिली कोर्ट में संजय कपूर ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हुए करिश्मा पर आरोप लगाए थे कि करिश्मा ने एक अच्छी पत्नी, बहू और माँ होने की जिम्मेदारियां कोई नहीं की। करिश्मा ने पैसों के लालच में मुझसे शादी की। उन्होंने बिना सोचे समझे तरीके से मेरी फैमिली प्रॉपर्टी और पैसों को अपने ऐशो आराम के लिए यूज किया। करिश्मा ने अपनी शादी से ज्यादा अपने बॉलीवुड करियर की तवज्जो दी। खैर, शादी टूटने के बाद अक्सर विवाद और हंगामा देखा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा तलाक है जिसमें चीजें हद से ज्यादा गंदी हो चुकी थी। आपसी रजामंदी से तलाक लेने के बाद भी दोनों में किसी ने भी एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बरकरार रखने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि बुरी तरह शादी तोड़ने वाले लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका एक गलत व्यवहार आपकी आने वाली जिंदगी और बच्चों को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। क्यों तलाक को कोर्ट तक घसीटना गलत? हम इस बात को मानते हैं कि एक गलत लाइफ एक्सपीरियंस के कारण आप काफी ज्यादा नकारात्मक हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिविटी आप चीजों पर रिस्पॉन्ड ना करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि तलाक देने के लिए अगर आप कोर्ट कचहरी चक्करों में पड़ेंगे तो चीजें बुरी तरह होंगी। दोनों लोग न केवल अपना बचाव करने के लिए अपने बीच के मुद्दों को अपने हिसाब से पेश करेंगे, बल्कि इसका असर आपके परिवार पर भी पड़ सकता है। मलाइका अरबाज ने जब तलाक लिया तो उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की जिसका नुकसान उन्हें आगे जाकर उठाना पड़े। शांति से तलाक देना सही क्यों? हालांकि मीडिया में अपने तलाक की खबरों की पुष्टि करते समय दोनों ने ही ये साफ कर दिया था कि वे इस मामले में किसी से कोई बात नहीं करेंगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कि वे हमेशा ही एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बरकरार रखेंगे। हालांकि देखा जाए तो इस तरह से अलग होना सही भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शादी टूटने के बाद भी आपके संबंध खराब नहीं होंगे। अगर कभी आमना सामना भी हो गया तो आपको एक दूसरे से नजरें नहीं चुरानी पड़ेंगी। आप अलग हो रहे हैं, बच्चे नहीं। इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ रहा है। तलाक के बाद भी आप अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स बने रहेंगे। ऐसे में कोशिश यही करें कि चीजें हद से ज्यादा आगे ना बढ़े। ऐसा इसीलिए क्योंकि करिश्मा के पति ने जब उन पर इस तरह के इल्जाम लगाए थे, उसके बाद भी उन्होंने मीडिया में ऐसी कोई बातें नहीं की थी जिसका असर उनके बच्चों पर पड़े। करिश्मा और संजय जब तलाक ले रहे थे, तब एक्ट्रेस के पति ने उन्हें लालची बताते हुए उन पर बेवजह पैसे खर्च करने का आरोप लगाया था। बता दें कि शादी करने से पहले करिश्मा संजय ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया था। तो गाइस, क्या कहना है आपको करिश्मा और संजय के रिश्ते को लेकर, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।